यस स्टेशन को टूटा था किसका बोगी का 10 नंबर मिल्लत एक्सप्रेस। हाँ हाँ हमने इनको कहा था कि आप इसको जरा ठीक करवा लें। अच्छा तो इन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक करके इन्होंने रिपेयर करके हमें चला दी गाड़ी। लेकिन यहाँ रोड़ी से आगे आते हुए एकदम से फील हुआ कि झटका लगा, गाड़ी का क्लिप टूटा। जैसे ही फोर्स खत्म हुई है दूसरी गाड़ी, वो हमारा डब्बा जो है ना कल्टी हुआ है, कल्टी होते ही वो दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा। जब दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा तो वो इधर से सर सैयद तो फ्यू मिनट्स अभी रगड़े खा रहे था हमारा डब्बा, विद इन फ्यू सेकंड्स दूसरी गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ आई है सर सैयद की। तो हम लोगों ने फिर दोबारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन कुदरत ने बचाना था शायद, बचा लिया हमें। वो गाड़ी दूसरी बोगिया ले गई। आपने शिकायत की थी कलम टूटा हुआ है? जी हम लोगों ने शिकायत की, कलम टूटा हुआ कि उनको खुद को पता था गाड़ी लेट ही इसी वजह से हुई है। अच्छा कहाँ लेट हुई थी? कैंट स्टेशन। हाँ कराची कैंट स्टेशन, कराची कैंट से लेट हुई थी कलम टूटने की वजह से। कितने लोग जो है फौत हुए मौके पे पता है आपको? तकरीबन दो बोगियां तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, तकरीबन मेरी आंखों के सामने तो तकरीबन 50 से ज्यादा।